इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बुजुर्गों की तवज्जो और फिक्रों से बेलगाम शहर में एक नुमानी हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल क़याम में आया है 1 अप्रैल से, जिसकी फिक्र हज़रत कुतुबुद्दीन मुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कई सालों से कर रहे थे, और जो इसके बानी है रहमान फाउंडेशन के हज़रत मुल्ला खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब, इनकी तो फिक्र है पूरे मुल्क भर में ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे खिदमत खल का काम हो जिससे इंसानियत को राहत पहुँचे, इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 1 अप्रैल 2021 से नुमानी हॉस्पिटल का क़याम वजूद में आया है बेलगाम शहर सुभाष नगर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 अप्रैल से जो हॉस्पिटल जब से वजूद में आया है, जिसमें गायनेक एक डिपार्टमेंट है, मेडिसिन है, सर्जरीज है और होम्योपैथी का एक डिपार्टमेंट है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 1 अप्रैल जब अप्रैल से शुरू हुआ है, अप्रैल महीने में 21 डिलीवरीज, पहले ही महीने में 21 डिलीवरीज हुए हैं। और जो OPDs थे 883 OPDs, IPDs 123, जिसमें से 115 डिस्चार्ज है। असल जो डिस्चार्ज का फिगर है वो बहुत मानी रखता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन में डिस्चार्ज दे रहे हैं, कि पेशेंट्स को ज़्यादा लंबा रखना वगैरह नहीं है। और इसकी वजह ये है कि माशाल्लाह माहिर डॉक्टर्स हैं, जैसे मेडिसिन के अंदर डॉक्टर ज़िया गुट्टी है, डॉक्टर मोहम्मद ज़िया गुट्टी जो MD इन एमरजेंसी मेडिसिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देख रहे हैं कि अब जो डेंगू पेशेंट्स हैं, जो हम लोग पहले जब हॉस्पिटल का क़याम नहीं था, रहमान फाउंडेशन पेशेंट्स को कई हॉस्पिटल्स में एडमिट कराते थे, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 इस तरह से बिल्स होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ज़िया मोहम्मद ज़िया गुट्टी के अंडर में 3 से 4 दिन के अंदर माशाल्लाह पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं। जो 17,000 डेंगू जिसके प्लेटलेट्स थे वो पेशेंट है, जो 24,000, 28,000 इस तरह से जो पेशेंट्स एडमिट थे 3 से 4 रोज के अंदर डिस्चार्ज हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दूं कि बिलिंग भी जो है 2,700 से लेके 5,000 और 6,000 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल वार्ड के अंदर बिलिंग्स हो रहे हैं, और स्पेशल वार्ड जाते हैं तो 8 से 9,000 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं 3 से 4 दिन के अंदर। और जो डिस्चार्ज रेट है माशाल्लाह 90% से भी ज़्यादा विद इन ए मंथ, जैसे 123 एडमिट थे 115 डिस्चार्ज हुए हैं, और जो मई महीने के अंदर है 150 एडमिट थे 146 डिस्चार्ज हुए हैं, मई महीने के अंदर 47 डिलीवरीज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली। जो एमरजेंसी में भी आ रहे हैं, जिसमें गायनेक के अंदर माशाल्लाह जिनकी सर्विस है डॉक्टर लुबना लाहौरी मैडम है, जो MBBS DN भी है, उनकी खिदमत ऐसे रहे कि कभी भी रात में पेशेंट आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, कई पेशेंट्स तो करीब मेरे जितने इल्म में है 4 से 5 पेशेंट्स विद इन हाफ एन आवर के अंदर उनके डिलीवरीज, जो क्रिटिकल कहीं और जगहों पे उनको और कुछ बताया जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैडम के अंडर में विद इन हाफ एन आवर के अंदर डिलीवरीज हुए हैं। और मेडिसिन के ताल्लुक से ये है, इसमें माशाल्लाह डॉक्टर मोहम्मद ज़िया गुट्टी है, डॉक्टर इमरान अम्बी साहब है, माशाल्लाह उन्होंने तो कोविड के अंदर यहाँ इस हॉस्पिटल में है, मदीना कोविड सेंटर है, अंजुमन कोविड सेंटर है, और ख़ुद का उनका जो क्लिनिक हिंडलगा में वहाँ पे है, दिन रात ऑलमोस्ट आई थिंक 18 आवर्स वर्क कर रहे थे वो डॉक्टर है। डॉक्टर नाजिया मुल्ला है, माशाल्लाह फिजिशियन है, जो खास करके औरतों के लिए और बच्चों के लिए MBBS और डायबिटिक के अंदर मशहूर है, तो वो डॉक्टर है। और गायनेक के अंदर जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर लुबना लाहौरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखबरी है कि इस महीने से डॉक्टर फरजाना धारवाड जो MBBS MS है माशाल्लाह, MS इन OBG जो कई सालों से KLE के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, उनके भी OPDs मॉर्निंग 11 to 1 डेली बेसिस पे चल रहे हैं। डॉक्टर शाइनास माड़ी वाले हैं, जो शाम में उनकी OPD होती है 5 से 7 के दरमियान में। डॉक्टर एक मशहूर डॉक्टर माशाल्लाह डॉक्टर वसीम गौंडी साहब है, ऑन कॉल पे हमेशा तैयार रहते हैं सर्जरीज के लिए, कोई इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए। एक गायनेक डिपार्टमेंट माशाल्लाह इस तरह से ये है, और उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए कोशिश चल रही है। और इसका जो माशाल्लाह जो सर्जरी में है,
जो मशहूर डॉक्टर जो डॉक्टर शकील मुल्ला साहब हैं, उनकी खिदमत यहाँ पे है। जो जब भी इमरजेंसी रहता है, जब भी कुछ स्पेशली हर्निया है, अपेंडिक्स है, खतना है, और इमरजेंसी कुछ एक्सीडेंट माइनर एक्सीडेंट केसेस आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत भी यहाँ पे चल रहे हैं। जो इस हॉस्पिटल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो डॉक्टर अबूबकर सौदागर साहब हैं, जो MD है, जो DHO के रिटायर्ड हुए हैं, राइट नाउ येल्लूर केली के अंदर भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इनकी खिदमत बहुत बड़ी है। हर चीज़ माशाल्लाह, डॉक्टर्स को मैनेज करना, सिस्टर्स को मैनेज करना, मैनेजमेंट के साथ में माशाल्लाह कोऑर्डिनेशन करना, इनके बहुत बड़ी खिदमत है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे इस हॉस्पिटल की जान है, डॉक्टर अबूबकर सौदागर सर, जो राइट नाउ आज के इसमें वो 80 साल की उम्र के हैं, लेकिन माशाल्लाह एकदम एक्टिव। उनको देख के हमारे हमारे अंदर जोश पैदा होता है। इस तरह से कुल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल का जो मकसद था हमारा, एक तीसरा महीना है, अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरीन इससे चल रहा है। खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रात में भी जो ड्यूटी डॉक्टर्स हमारे हैं, 24/7 ड्यूटी डॉक्टर्स है, रात में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो ड्यूटी डॉक्टर है हमारे MBBS ड्यूटी डॉक्टर है, और एक जो BHMS के अंदर MD कर रहे हैं माशाल्लाह, वो ड्यूटी डॉक्टर्स है। तो रात में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी होता है तो अपने कौम के और इंसानियत के जो हम वतन लोग हैं, बिरादरी से है, तो यहाँ पे दौड़ के आ रहे हैं, क्योंकि ECG है 100 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। रात में भी आए, दिन में कभी ECG 100 रुपीज है, और नॉर्मल कोई डॉक्टर देखते हैं तो 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जैसे हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स देख रहे हैं। तो बिलिंग भी माशाल्लाह है, और 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल रहने की वजह से रात के ड्यूटी डॉक्टर्स का कंप्लेंट हमको रेस्ट करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। तो ये खुशी की बात है कि इनको रेस्ट करने में मौका नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 एक कौम और एक इंसानियत के लिए एक ऑप्शन है, जहाँ पे आने के बाद में उनको एक राहत और मेडिकल के लाइन से डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो एक जो हमारे बुजुर्गों की दुआएं और एक कोशिश थी कि एक ऐसा हॉस्पिटल कौम का वजूद में आए जिसमें इंसानियत को राहत पहुंचे। इसी तरह अपना होम्योपैथी जो डिपार्टमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी का जो अपने डॉक्टर्स हैं, जिसमें मशहूर डॉक्टर होम्योपैथी के हैं, जो डॉक्टर कोहली साहब हैं जो कोल्हापुर के, माशाल्लाह उनके तो बता दूं कि 600 पेटेंट्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। कैंसर है, डायबिटिक्स है, और औरतों की जो थैली के मसले हैं, और कई चीज़ों के ऊपर उनका माशाल्लाह महारत है। तो वो भी माशाल्लाह डॉक्टर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे थे, इस हफ्ते से इंशाल्लाह कमिंग संडे से वो भी उनकी खिदमत सुबह 11 से लेकर 1:30 बजे तक रहेंगे। और मंडे टू सैटरडे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर इरशाद नालबंद है, जो MD है माशाल्लाह और लेक्चरर भी है, उनकी खिदमत होम्योपैथी में, डायबिटिक्स है और क्रोनिक डिजीजेज जो भी है उसमें माशाल्लाह होम्योपैथिक में वो भी उनकी भी खिदमत है। और इस तरह से माशाल्लाह अभी और एक्सटेंड करने का कोशिश और फिक्र चल रही है, जिसमें डॉक्टर जिया गवा साहब हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट है, और उनके भी माशाल्लाह कई खिदमत शहर में हो रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह 1 जुलाई से बिटवीन 10 और 12 इंशाल्लाह यहाँ पे उनके भी OPDs रहेंगे। और जो यूरोलॉजिस्ट है, इंशाल्लाह मे भी 1 जुलाई से यूरोलॉजिस्ट सर्विस, जैसे स्टोन का जो प्रॉब्लम्स है, पित्ते के खड़े के जो कई केसेस आ रहे हैं, जो हम लोग येल्लूर केले में रेफर कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह डॉक्टर इंशा 1 अप्रैल से उम्मीद है कि इस हॉस्पिटल में रहेंगे। कुल मिला के ये है कि और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट ये है कि जो एक्सपेंडिचर्स है, रेंट है और सैलरीज है, बस उसको हम लोग टारगेट ये कर रहे हैं, और बिलिंग के ऊपर जितना हो सके, जहाँ पे भी लग रहा है कि बिलिंग ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 30% से 50% रिड्यूस बिल्स है, और उससे इंशाल्लाह लोगों को भी फायदा हो रहा है। और एक अब तक का जो तीसरा महीने का तजुर्बा है, रेंट ऑन टाइम है, सैलरीज ऑन टाइम है, और सभी चीज़ें, और जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं माशाल्लाह रात में भी यहाँ पे कायम कर रहे हैं, ताकि नया हॉस्पिटल है, हमारे स्टाफ को, हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स है, नर्सिस को प्रॉब्लम ना हो, नाइट में भी हमारे वॉलेंटियर्स कायम कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में। तो एक कोशिश, जो एक इरादे और एक आजाइम थे, उम्मीद है कि अल्लाह उसे पूरा करेगा। और इस हॉस्पिटल को हमारे साथियों का और हमारे हजरत की तरफ से ये है कि इसको और मजीद बढ़ाएंगे, ताकि हर तबके के लिए इंशाल्लाह एक राहत का सामान बने, राहत की एक जगह बने। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम आखिरी दर्जे में अपने दुआओं में तो याद रखिए, और जो उसको डेवलप करना है, जैसे कि OT को और हाईटेक करना है, यूरोलॉजिस्ट को लेकर आ रहे हैं तो उनकी मशीनरीज है,
और सबसे आप लोगों को एक खुशखबरी है और एक अजाइम में जो हमारे जल्द से जल्द है वो बता दूं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह डायलिसिस यूनिट, उम्मीद है कि 1-2 महीने में इंशाल्लाह अल्लाह की इज़्ज़त से उम्मीद है इस हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट भी इंशाल्लाह शुरू होगा। इस हॉस्पिटल के मातहत में अल्हम्दुलिल्लाह एक नुमानी फार्मा है जो रहमान फाउंडेशन कभी भी ये नहीं भूल सकता है कि इस हॉस्पिटल के वजूद और इस सेटअप के, इसमें हमारे जमीर और समीर जो है, जो नुमानी फार्मा जो संभाल रहे हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस हॉस्पिटल में। और माशाल्लाह इनके ऐसे खिदमात रहे हैं कोविड में, और अभी जब भी मेडिसिन्स कुछ अवेलेबल नहीं रहते हैं, भाग के दौड़ के कहीं से भी यहाँ के MRP पे परचेज करके MRP ही सेल उस पर सेल किए, ऐसे माशाल्लाह खिदमात रहे हैं। और कोविड के अंदर कहीं पे भी 1% डिस्काउंट कोविड मेडिसिन पे नहीं दिए रहे, नहीं दिया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने 5% उस मेडिसिन के ऊपर, कोविड मेडिसिन के ऊपर भी उन्होंने डिस्काउंट दिया है, तो मैं उनका भी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और माशाल्लाह जो अपना एक लैब भी चल रहा है, नोमानी क्लिनिकल लेबोरेटरी, जिसमें कयूम और अपने गुफरान है, माशाल्लाह इनकी खिदमत भी बहुत बेहतरीन रहे हैं। जब भी डॉक्टर्स कॉल करते हैं डे नाइट, जब भी है सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, रिजल्ट्स के साथ में माशाल्लाह ये दोनों भी खिदमत दे रहे हैं। और फार्मेसी के ताल्लुक से बताऊं कि डॉक्टर जिया गुट्टी सर जो है MD है, इनकी एक खूबी हम लोगों ने देखा कि लाइट ऑन बॉडी लाइट ऑन पॉकेट, इनका एक मशहूर और बहुत तजुर्बेकार एक कॉन्सेप्ट है, जो पेशेंट्स को जो दवाई भी देते हैं बहुत लाइट होती है और बहुत सस्ते इसमें होते हैं, ये इस पे फार्मेसी के अहबाब जो है उनको बहुत हर चीज़ में ये करें, ताकि जो डॉक्टर को जो चीज़ की ज़रूरत है इमिडिएट वो मेडिसिन्स अवेलेबल रख रहे हैं। मैं शुक्र गुजार हूँ फार्मेसी और लैब टीम का भी, ये आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के ताउन से ही हो रहा है। और अपील है रहमान फाउंडेशन की तरफ से कि आप लोग जैसे गुज़िश्ता 12-15 सालों से बेलगाम में रहमान फाउंडेशन का ताउन करते रहे, इसी तरह आगे भी जारी रखिए, और आपकी सरपरस्ती आपकी दुआओं के मोहताज है। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।